नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बादशाह इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल से स्वागत है। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास एक वीवो Y50 मॉडल का मोबाइल है। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि दोस्तों पैटर्न पिन लॉक पड़ गया है। दोस्तों हम ये पिन लॉक को कैसा भी मुकर देना है, अब ये वीडियो में आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, पहला हमारा ये मोबाइल में कौन सा CPU दिया हुआ है, हम गूगल में जाकर चेक कर देना है। उस लिए हम क्या करना है बोलते, ये मोबाइल का मॉडल नंबर मार के बाद में CPU टाइप बोलकर टाइप करने से हमारा मोबाइल कौन सा मॉडल है कि हमको वो समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता दूंगा देखिए दोस्तों, ये कौन सा मॉडल है कि अब एक बार हम मोबाइल ओपन कर रहे हैं, गूगल में जा रहा है दोस्तों, जाकर सर्च कर देना है क्या बोलकर, वीवो Y50 CPU टाइप बोल कर सेट करके एंटर कर देना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ एंटर करने से हमको क्या दिख रहा है, वीवो Y50 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 है दोस्तों, इसमें चिपसेट है, क्वालकॉम CPU है दोस्तों इसमें, इसलिए हमारा यह मोबाइल UDL मोड में कनेक्ट करके हमारा मोबाइल को अनलॉक करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करना, हमारा मोबाइल को टेस्ट पॉइंट्स कहाँ पर है कि वो भी गूगल में जाकर चेक कर देना है। हम वो चेक करने के लिए क्या करना है बोल दो, फिर से हम सर्च बार को ओपन कर देना है, ऐसा ओपन करके फिर से गूगल में जाना है। जाने के बाद हमारा मोबाइल का मॉडल नंबर टाइप कर देना है, वीवो Y50 टेस्ट पॉइंट बोलकर टाइप कर देना है दोस्तों, नहीं तो ईडियल पॉइंट्स को बोल के हम टाइप करने से भी हमको आ जाएगा। देखो तो टेस्ट पॉइंट बोलकर मैं टाइप करके एंटर कर दिया है, ऐसा करने से बहुत वेबसाइट्स में हमको इमेजेस दिखेंगे इसमें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक इमेज दिख रहा है हमको, टेस्ट पॉइंट का इमेज दिखेगा दोस्तों हमारा, ये दोनों पॉइंट को हम जंप अप कर देना, ऐसा करने से हमारा मोबाइल टेस्ट पॉइंट ईडियल मोड में आ जाएगा। इसको ईडियल मोड 9008 बोलते हैं दोस्तों। इसलिए हम क्या करना, हमारा मोबाइल को पहला स्विच ऑफ कर देना है, ये स्विच ऑफ करके हमारा ये बैक डोर को ओपन कर देना, ओपन करके यहाँ पर हमारा टेस्ट पॉइंट रहते हैं, वो टेस्ट पॉइंट को हम जंप करके हमारा PC को कनेक्ट कर देना दोस्तों। अब मैं ये बैक डोर ओपन करके फिर से मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल को मैं ये बैक डोर रिमूव कर दिया है। अब निकाल कर हम क्या करना है, इसको टेस्ट पॉइंट को अटैचमेंट करके हम हमारा मोबाइल को PC से कनेक्ट करना होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसे दोनों टेस्ट पॉइंट ये होते हैं, ठीक है दोस्तों, हमारे मोबाइल में दोनों टेस्ट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को, अब देखिए दोस्तों ये दोनों पॉइंट को हम ये तरीके से, अब देखिए दोस्तों ये दोनों पॉइंट को हम देखिए दोस्तों, ये नीचे वाले दोनों पॉइंट को हम यही तरीके से अटैचमेंट करके हम PC से कनेक्ट कर देना दोस्तों। ऐसा करने से हमारा मोबाइल EDL मोड में कनेक्ट तो हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद हम हमारा, आपके पास UMT है तो UMT, नहीं तो MRT तो MRT से आप अनलॉक कर सकते हो। अब मेरे पास है MRT डांगल है दोस्तों, मैं इसी से इसको अनलॉक कर दूंगा। इसलिए हम क्या करना है को बोल तो, पहला हमारा MRT डांगल को हमारा PC से कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके बाद में हमारा नेट कनेक्ट करके हमारा इसका सॉफ्टवेयर को ओपन कर देना है दोस्तों। ये करके फिर से मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए दोस्तों, MRT डांगल में लगा दिया है हमारे PC को, लगा कर हम उससे पहला क्या करना, हमारा ये एंटीवायरस को डिजेबल करना है दोस्तों, नहीं तो हमारा सॉफ्टवेयर को एरेस करेगा वो, इसलिए हम हमारा एंटीवायरस को 1 आवर तक हम डिजेबल करेंगे। ओके, अब हमारा एंटीवायरस डिजेबल होगा दोस्तों। डिजेबल होने के बाद हमारा MRT का सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट कर देना है, इसको जिप फाइल बताया है, और जिप फाइल को डाउनलोड करके हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ओके देखिए दोस्तों, एक्सट्रैक्ट कर दिया था मैं,
ओके तो स्टार्ट क्या हो गया है, होने के बाद हम इसको ओपन कर लेना है। अब यह है देखिए दोस्तों MR3.69 वर्जन है, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर देना है। इससे पहला हमारा ये सॉफ्टवेयर हमारा पीसी में नेट को कनेक्ट कर देना, ऐसा करने से हमारा ये सॉफ्टवेयर तो ओपन हो जाएगा, नहीं तो ओपन नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर तो ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद हमारा वीवो ऑप्शन में निकल जाना है। जाने के बाद हमारा मोबाइल कौन सा मॉडल है कि वो मॉडल हम सेलेक्ट कर जाना है। मेरा मोबाइल है वीवो Y50 है दोस्तों, इसलिए हमारा वीवो Y50 को सेलेक्ट कर देना। करने के बाद यहाँ देखिए दोस्तों फॉर्मेट अनलॉक ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। करने के बाद हमारा मोबाइल को कनेक्ट कर देना है दोस्तों। हमारा मोबाइल कनेक्ट करने के लिए हम क्या करना है को बोलता हमारा देखिए दोस्तों, हमारे मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए हमारा टेस्ट पॉइंट दोनों को एक बार हम अटैचमेंट कर देना है। अटैचमेंट करके ये तरीके से देखिए दोस्तों, ये तरीके से हमारा ट्वीजर की मदद से हमारा टेस्ट पॉइंट को अटैचमेंट कर देना है। अटैचमेंट करके हम पीसी से केबल को लगाने से हमारा मोबाइल EDL मोड में कनेक्ट हो जाएगा हमारे पीसी से। ऐसा कनेक्ट होने के बाद हम स्टार्ट बटन प्रेस करने से हमारा मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। अब मैं ये EDL मोड में कनेक्ट करके फिर से मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। मैं अब EDL मोड में कनेक्ट कर दिया हमारा मोबाइल को पीसी से। अभी हमारा कौन सा पोर्ट में कनेक्ट हुआ है हमें एक बार हम डिवाइस मैनेजर में जाना है। डिवाइस मैनेजर ओपन करके हम चेक कर जाना है, पोर्ट्स में जाना है। जाने से हमको कौन सा पोर्ट पर कनेक्ट हुआ देखिए दोस्तों, 9008 पोर्ट कॉमन 7 पर कनेक्ट हो गया है। उसलिए हमारा पोर्ट्स पर जाकर हम कॉमन 7 सेलेक्ट कर देना है, तो ऑटो में रख देना है। ऑटो में रख के अब फॉर्मेट अनलॉक है ना, उसको हम चेक करके बाद में आपको स्टार्ट बटन प्रेस कर देना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों प्रेस कर दिया अब हमें, ओके देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको आ गया है वाइप अनलॉक डाटा फ्लैशिंग वर्जन डाटा सक्सेसफुल रिबूटिंग मोबाइल बोलकर पड़ गया है। अब हमारा मोबाइल तो अनलॉक हो गया है। अब हमारा मोबाइल को फिर से अब मैं केबल रिमूव करके हमारा मोबाइल को ऑन करके मैं आपको बता दूंगा प्रॉब्लम। हमारा पासवर्ड अनलॉक हुआ है कि नहीं है जी, देखिए दोस्तों मैं मोबाइल को ऑन कर देता है। ओके देखिए दोस्तों मोबाइल तो ऑन हो गया सक्सेसफुल से। ओके देखो क्लीनिंग डाटा बोलकर पड़ गया है, हमारा मोबाइल तो अनलॉक हो गया है दोस्तों। ओके देखिए दोस्तों स्टार्ट हो गया हमारा मोबाइल, फिर से सेटिंग्स कर लेंगे हम।
ये भी हम स्किप कर देंगे, ये भी हम स्किप कर देंगे, ये भी हम स्किप कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको एफ आर पी लॉक भी पड़ गया है दोस्तों। सेम हम एफ आर पी लॉक भी सेम वही तरीके में हम अनलॉक कर सकते हो इजी तरीके से। अब देखिए दोस्तों, फिर से हम इसको एफ आर पी लॉक भी अनलॉक कर देना है। अब वो सेम प्रोसेस कर देना है दोस्तों, एफ आर पी लॉक भी हम उसको एफ आर पी लॉक भी रिमूव करने के लिए क्या करना है दोस्तों, अब फॉर्मेट अनलॉक बोल कर टाइप कर सेट कर देना। सेम वही प्रोसेस में एवरेज एफ आर पी सेट कर जाना है। अब एवरेज एफ आर पी सेट कर देना है, सेट करके फिर से हमारे मोबाइल को ईडीएल मोड में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करके हम स्टार्ट बटन प्रेस करने से हमारा मोबाइल फिर से एफ आर पी अनलॉक हो जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, मैं ये वीवो वाई 50 UFS चिप सेट वाला एफ आर पी अनलॉक करने का तरीका मैं बता देता है। मैं ऑलरेडी इसको पासवर्ड रहे तो इसको अनलॉक कर दिया है। करने के बाद एफ आर पी लॉक पड़ गया है दोस्तों, हम ये एफ आर पी लॉक को ऐसे रिमूव कर देना है। अब ये वीडियो में आपको बता देता है कि दोस्तों, हम पहला क्या करना है को बोल तो, हमारा मोबाइल को एफ आर पी अनलॉक करने के लिए वाई फाई से कनेक्ट कर देना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं ऑलरेडी हमारा मोबाइल को वाई फाई से कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है मोबाइल को वाई फाई से कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद सेट कर देना है फिर से मोबाइल को। अब देखिए दोस्तों, मेरा मोबाइल कनेक्टेड है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। नेक्स्ट करके बाद में क्या करना है, बैकअप फ्रॉम एंड्रॉइड फोन बोलकर दिखवाना, इसको हम ओके करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, ये नहीं है दोस्तों, हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद में बैकअप फ्रॉम क्लाउड को ओके करेंगे। ओके, अब देखिए दोस्तों, हमको यहाँ स्किप ऑप्शन दिख रहा है, देखिए दोस्तों, स्किप करेंगे, बाद में स्किप करेंगे, बाद में एक्सेप्ट करेंगे, बाद में स्किप दिस स्टेप को भी ओके करेंगे, बाद में नेक्स्ट करेंगे, बाद में ये ऑप्शन को भी स्किप करेंगे, बाद में इसको भी स्किप करेंगे। उसके बाद में कंग्रेचुलेशन बोलकर आ गया दोस्तों। अब हम यूज नाउ सेट करेंगे दोस्तों, ओके करेंगे, टैप करेंगे। ओके देखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल एफ आर पी अनलॉक होकर मोबाइल ऑन हो गया दोस्तों। ये बहुत ईजी तरीका दोस्तों। इससे पहला आपको और एक स्टेप में ये बताना भूल गया था, वो क्या है बोल तो, हमको ऐसा एफ आर पी लॉक पूछ रहा है तो पहला हम इसमें पिन लॉक और पैटर्न आपका मर्ज कौन सा भी आप इसमें सेट कर देना है। सेट करके फिर से बैक जाकर हमारा वाईफाई कनेक्ट करके फिर से फ्रंट आने से हमको ऐसा ऑप्शन आ जाते हैं। ऐसा आने के बाद आप ऐसा करने से हमको एफ आर पी अनलॉक हो जाएगा ये वीवो मोबाइल में। इसके बाद हम फिर से एक बार सिस्टम मैनेजर में जाकर फिर से बैकअप एंड रिसेट में जाकर फिर से हम रिसेट कर देना है दोस्तों। रिसेट ऑल सेटिंग्स को सेलेक्ट कर देना है। मैं ऑलरेडी पहला आपको मोबाइल ऑन होते टाइम पर पासवर्ड पूछेगा ना ये, उसलिए मैं वो पासवर्ड को 1 2 3 4 बोलकर टाइप कर दिया है। करने से हमको ऐसा आ गया है। देखिए दोस्तों, हमारा सेटिंग्स पूरा रीसेट होकर फिर से मोबाइल ऑन हो जाएगा। हमारा पासवर्ड एफ आर पी पिन पासवर्ड सब कुछ एवेज हो जाएगा दोस्तों। एवेज होकर डिफॉल्ट सेटिंग से मोबाइल ऑन हो जाएगा।
कौन सा पासवर्ड आपको नहीं पूछेगा दोस्तों ऐसा करने के बाद। देखिए दोस्तों सक्सेसफुल से हमारा मोबाइल ऑन हो गया है। ऐसा टेक्निकल वीडियोस पूरा और लेटेस्ट वीडियोस पूरा आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।